तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों एक्चुअली शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे हम बातें करने वाले हैं ना कि इंस्टाग्राम के स्टोरी में हम कैसे किसी को मेंशन बैक करें। यदि हमको कोई मेंशन किया है तो हम उसको मेंशन बैक कैसे करें, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी सोल्यूशन बताऊंगा और सारा कुछ बातें अच्छे से आपको बताने वाला हूं। वीडियो हमारी पसंद आएगी ना तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आया करते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं ना कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ना लाइव स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इंस्टाग्राम में दोस्तों यदि आपका स्टोरी बैक लगाने का ऑप्शन आ रहा है या फिर भी नहीं भी आ रहा है, तो सारा कुछ आइए तरीका सिखा देता हूं आपको किस तरह से काम आप करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे हम अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। मैं सारा कुछ आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस तरह से हमने आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, देख सकते हैं मैं मैसेज बॉक्स में भी जाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे रीतू यादव ने मेंशन किया तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। देखिए यहीं पर दो बार उन्होंने मेंशन किया, एक बार ऐड टू योर स्टोरी का ऑप्शन आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है। तो आखिर हम कैसे इसको स्टोरी में ऐड करें, क्या तरीका है, आइए आपको बताता हूँ। और ये रीजन क्यों आता है, आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि देख सकते हैं यहाँ पर एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, ये रीजन क्यों होता है, कैसे होता है, आइए आपको बताते हैं। यदि हम इस पर क्लिक करें तो डायरेक्टली इस तरह से उन्हीं का खुलता है, हम इस स्टोरी को मतलब मेंशन बैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताता हूँ क्या रीजन है, क्यों है। जैसे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से बैक आएंगे और कभी भी आप स्टोरी लगाने जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर यह स्टोरी डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर चला गया स्टिकर पर और यहाँ से आ गया मेंशन वाले पेज पे। और मैंने मान लीजिए किसी को मेंशन कर दिया, रितु यादव को, ठीक है। और इनको जैसे मेंशन किया और यहाँ से राइट किया, यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, योर स्टोरी क्लोज फ्रेंड। यदि आप क्लोज फ्रेंड करते हो ना, यदि यह सेलेक्ट हो जाता है स्टोरी लगाते टाइम और पब्लिकली नहीं होता है, तो समस्या यह होती है केवल आपके क्लोज फ्रेंड के पास ही आ जाता है। और यहाँ से समस्या ये होती है ना कि केवल क्लोज फ्रेंड के पास जाती है और बाकी लोग मेंशन नहीं कर सकते हैं। और क्लोज फ्रेंड जो जो लोग रहते हैं उन्हीं के पास, देख सकते हैं इस तरह से जाता है। क्लोज फ्रेंड होते क्या है, कैसे चेक किया जाता है, आपको बता दें ये भी। और अभी इसका सलूशन भी बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोफाइल पर जाना है और प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ थ्री लाइन पर यदि आप क्लिक करते हो ना, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आप देख पा रहे हैं क्लोज फ्रेंड का, यदि इस पर क्लिक करें तो जो क्लोज फ्रेंड रहते हैं वही मेंशन हो पाते हैं, बाकी मेंशन नहीं हो पाते। समस्या यहाँ से होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो स्टोरी में आपको मेंशन किया उनसे बोलना है कि भाई, और उस स्टोरी में जो आपने प्राइवेसी क्लोज फ्रेंड का लगाया उसको पब्लिक कर दीजिए। और पब्लिक कर देंगे आप ऐड कर सकते हैं उनको आसानी से, या तो दोबारा स्टोरी ऐड करें और उसमें आपको मतलब क्लोज फ्रेंड ना करके पब्लिकली करें। दोस्तों 100% यही होने वाला है, यही तरीका है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और हम उम्मीद करेंगे वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सोल्यूशन गया होगा। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।